दिल्ली के द्वारका में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अपराधी फरार हो गया है। अपराधियों के पास से 13 पिस्टल और 150 के आसपास गोलियां बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने द्वारका में शांति पार्क के पास गुड़िया प्रॉपर्टी पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ पकड़ के लिए छापा मारा था, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। 5 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है, जबकि एक अपराधी इस दौरान भागने में कामयाब रहा। सब चला देंगे, फिर चला देंगे। ये करीब टाइम तो नहीं मैंने देखा, जैसे मैं यहाँ करीब 10:30 की वादी की घटना है। जैसे पुलिस आई है तो पुलिस को मैंने बोला, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं अंदर, तो बोला कि ये इधर बदमाश घुसे हुए हैं, फायरिंग। इतने में उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, वार्निंग भी दी उसको, नहीं आया तो वो पीछे से कूद के भाग के निकल गया। ये फायरिंग करीब 15-20 मिनट फायरिंग चली है। पुलिस ने उनको चेताया भी होगा? हाँ, बाहर निकलने, हाँ बाहर निकलने के लिए पूरी आवाजें दी, कोशिश भी की, लेकिन बाकी कुछ नहीं। बदमाश थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे? भागा तो एक ही है, और बाकी ज्यादा तो नहीं देख पाया मैंने भी। मैं भी साइड में छुप गया, जाके गोलियां चल रही थी इसलिए मैं भी साइड में हो गया, तो देखा तो मैंने एक ही को है।